नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आई खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। दो दिनों में दो मालगाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त। आदित्यपुर के पास मालगाड़ी पलटी, मुंबई हावड़ा मार्ग घंटों प्रभावित। पार्किंग विवाद में अधिवक्ता और ठेकेदार आमने सामने, वकीलों ने एसपी से लगाई गुहार। आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला पुलिस का सर्च अभियान तेज। और शहर को तंबाकू मुक्त करने की दिशा में जिला प्रशासन ने कमर कसी, वॉल पेंटिंग के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। देर रात आदित्यपुर के पास रेलवे वैगन को शंटिंग कराने के क्रम में मालगाड़ी के तीन वैगन पलट गए और दो वैगन डीरेल हो गए, जिसे हावड़ा मुंबई लाइन में परिचालन बहुत घंटों के लिए बाधित हो गया। बुधवार की देर रात दक्षिण पूर्व रेलवे मंडल अंतर्गत आदित्यपुर स्टेशन के पास में हुए टाटा स्टील की मालगाड़ी दुर्घटना के कारण रेलवे को भारी नुकसान होने का अनुमान है। फिलहाल इसका आकलन नहीं किया जा सकता। रेलवे एवं टाटा स्टील रेल प्रशासन ने बुधवार की रात से ही युद्ध स्तर पर हावड़ा मुंबई मुख्य रूट को दुरुस्त कर परिचालन सामान्य कर दिया है। वहीं सेक्शन लाइन अभी भी दुरुस्त नहीं हो सका है। बताया जाता है कि इस दुर्घटना में रेलवे के 6 बिजली के खंभे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान पहुँचा है। रेस्क्यू में जुटे रेलवे के इंजीनियरों ने बताया कि पूरी तरह से सेवा देर शाम तक ठीक हो सकती है। फिलहाल क्षतिग्रस्त हुए बिजली के खंभों को दुरुस्त किया जा रहा है। विदित हो कि गुरुवार देर रात टाटा स्टील के रेलवे वैगन को शंटिंग कराने के क्रम में वैगन का संपर्क इंजन से टूट गया था, जिसमें एक वैगन पलट गया जबकि दो वैगन बेपटरी हो गई, जिसमें हावड़ा मुंबई मेन लाइन के 6 बिजली के खंभे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। हालांकि रात भर टाटा स्टील रेल प्रशासन और दक्षिण पूर्व रेलवे के इंजीनियरों ने कड़ी मशक्कत के बाद मुंबई हावड़ा मुख्य मार्ग को सुचारू कर दिया है। ये यार्ड में से गाड़ी जो निकल रही थी, तो अरे भाई डिलेलमेंट हुआ, डिलेलमेंट के बाद इसने ओएचई पोर्टल को फिट किया है, तो ओएचई पोर्टल पूरा गिर गया, जिससे हमारा मेन अपलाइन और डाउनलाइन दोनों मूवमेंट बंद हो गया। पर हम लोग रिस्टोरेशन के लिए लगे। कितना नुकसान हो सकता है, मतलब ये टाटा स्टील को नुकसान होगा या फिर कितना नुकसान? अभी तो मेन लाइन बंद है, अभी हम लोग नुकसान का जायजा करेंगे। पार्किंग को लेकर ठेकेदार और अधिवक्ताओं के बीच ठन गई है। पिछले दिनों पार्किंग को लेकर परिसर में हुए विवाद के बाद अधिवक्ताओं ने गुरुवार को सिटी एसपी से मिलकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ जमशेदपुर के अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जमशेदपुर पुराना कोर्ट के अधिवक्ताओं ने शिबू सिंह पर पार्किंग के रूप में जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था और अवैध पार्किंग का जोरदार विरोध किया। वहीं अधिवक्ताओं ने शिबू सिंह के खिलाफ बिष्टपुर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराया था।
इधर एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी बिष्टपुर पुलिस की ओर से शिबू सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद गुरुवार को नाराज अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिले के SSP मुलाकात कर शिबू सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। हमेशा से समाज में अग्रणी रहे हैं किसी भी कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए, तो आज हम लोग इस लड़ाई को लेकर के आए हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो अधिवक्ता समुदाय आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आज हम लोग इसी का ज्ञापन देने आए। लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला पुलिस द्वारा शहर भर में चेकिंग अभियान को तेज कर दिया गया है। हर चौक चौराहे पर शक के आधार पर वाहन चालकों को रोककर चेकिंग की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा शहर भर में जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आर्म्स की चेकिंग की जा रही है। शहर में बढ़ते अपराध और नए वर्ष के आगमन को देखते हुए जिला पुलिस कप्तान के निर्देश पर ये अभियान चलाया जा रहा है। वैसे प्रत्येक वर्ष नए वर्ष से पूर्व इस तरह के अभियान चलाए जाते रहे हैं, जिसमें पुलिस को सफलता भी मिली है। वैसे इस बार तमाम थाना के प्रभारी भी इस अभियान में शामिल हुए हैं और खुद नगर पुलिस अधीक्षक इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चेकिंग में तमाम कार व बाइक चालकों की जांच की जा रही है, जहां आर्म्स की जांच की जा रही है। वैसे आगे चलकर इसी अभियान के तहत रैश ड्राइविंग, नशे की हालत में वाहन चलाना आदि की भी जाँच की जाएगी और पकड़े जाने पर दोषी को जुर्माना और सजा दोनों ही हो सकती है। शहर को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही वॉल पेंटिंग के माध्यम से तंबाकू के दुष्परिणामों की जानकारी भी दी जा रही है। जमशेदपुर के तमाम सरकारी कार्यालयों एवं मुख्य चौक चौराहों में अक्षय विभाग के द्वारा तंबाकू निषेध एवं धूम्रपान नहीं करने को लेकर वॉल पेंटिंग कराई जा रही है, ताकि जमशेदपुर को तंबाकू मुक्त शहर बनाने का संकल्प पूरा हो सके। जिला मुख्यालय से इसकी शुरुआत कर दी गई है। पूरे मुख्यालय परिसर तंबाकू एवं धूम्रपान निषेध तथा इससे उत्पन्न होने वाली बीमारियों की जानकारी पेंटिंग के माध्यम से दी जा रही है। वैसे शहर के सभी सरकारी कार्यालयों एवं तमाम चौक चौराहों में ऐसी ही पेंटिंग बनाई जाएगी। जमशेदपुर अक्षय विभाग के विशेष पदाधिकारी ने इस संबंध में बताया कि शहर को तंबाकू मुक्त बनाने का संकल्प जिला प्रशासन ने लिया है और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। जो है के तहत हम लोग सभी चौक चौराहों में पेंटिंग करा रहे हैं और सभी सरकारी कार्यालयों में पेंटिंग करा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम अपने जमशेदपुर को जिस तरह से स्वच्छता में पहले भी अव्वल करा दिया गया है जमशेदपुर वासियों द्वारा, उसी के तहत 2021 में जो सर्वे होना है उसको हम लोग पेंटिंग के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा जो सरकार का गाइडलाइन आया है धूम्रपान निषेध का, तो उसको लेकर के हम लोग जो है पेंटिंग करा रहे हैं, ताकि लोग जो है गुटखा तंबाकू का सेवन नहीं। ठंड के बढ़ते प्रकोप का असर जीव जंतुओं पर भी नजर आ रहा है, खासकर स्ट्रे डॉग्स और पेट डॉग्स की यदि हम बात करें तो ठंड की वजह से वे हाइपोथर्मिया का शिकार होते जा रहे हैं। ठंड के बढ़ते प्रकोप का असर मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र श्वानों पर होने लगा है। टाटा स्टील वेटरनरी हॉस्पिटल में ठंड की चपेट में आकर बीमार होने वाले श्वानों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी तो खैर खबर लेने वाला कोई नहीं और ठंड में उनकी मौत भी हो जाती है, पर पेट डॉग्स को भी काफ़ी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। इस मौसम में उन्हें गरिष्ठ भोजन के अलावा पीने के लिए गर्म पानी देने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी पावर पेट डॉग से ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से स्ट्रे डॉग्स में इन्फेक्शन कम होता है, बट उनमें हाइपोथर्मिया के केसेस काफ़ी सारे आते हैं, इसमें लॉस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो उस कंडीशन में उसको फिर कंबल में लपेट के उसको बॉडी को वार्म करना है, हॉट वाटर बैग से बॉडी को वार्म करना है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर उसको आना चाहिए और उसको मेडिसिन दिया है। देखभाल ना करे तो जानलेवा भी हो सकता है सर, ये इसका देखभाल नहीं हुआ तो फिर काफ़ी सारे डॉग्स का डेथ भी हो सकता है, इसलिए प्रिकॉशन काफ़ी जरूरी है। टेलको थाना क्षेत्र में नशाखोरी और असामाजिक तत्वों के जमावड़े पर रोक लगाने की मांग को लेकर हिंदू युवा संघर्ष समिति ने पुलिस कप्तान को एक मांग पत्र सौंपा है। हिंदू युवा संघर्ष समिति के द्वारा टेलको थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे असामाजिक तत्वों के जमावड़े एवं नशाखोरी पर रोक लगाने हेतु नगर पुलिस अधीक्षक को एक मांग पत्र सौंपा गया है। मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया है कि टेलको थाना क्षेत्र में इन दिनों असामाजिक तत्वों का उत्पात चरम पर है। शाम होते ही इलाके के तमाम पार्कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर उनका जमावड़ा लगता है और सभी नशे का सेवन भी करते हैं। थाना क्षेत्र का है,
आए दिन टेलको थाना क्षेत्र में महिला को लेके जो पार्क स्थल है खासकर वहाँ पे अननेसेसरी जमावड़ा अननेसेसरी लोग जुट रहे हैं, जिसके कारण महिलाओं का आना जाना भी बहुत दुर्भर हो गया है। छोटे बच्चों के साथ मारपीट की घटना घट रही है और वहाँ पे नशा का एक तरह का ऐसा चल रहा है अड्डाबाजी की, नशा करने का अड्डा हो गया है। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शाकिर खान ने गुरुवार को मानगो सब स्टेशन में सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए खराब पड़े विद्युत उपकरणों को दुरुस्त कराने की मांग की है। मानगो इलाके में व्याप्त विद्युत की समस्याओं को दूर करने और तमाम विद्युत उपकरणों को दुरुस्त करने कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शाकिर खान के द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं। इनके द्वारा मानगो के विभिन्न इलाकों में खराब ट्रांसफार्मर, जर्जर बिजली के खंभे, खराब तार की पूरी जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी गई। बैठक के उपरांत विभाग के अधिकारियों ने तमाम उपकरणों को दुरुस्त करने और जरूरत पड़ने पर बदलने का भरोसा भी दिलाया। अपने क्षेत्र से रिगार्डिंग जितना भी डेवलपमेंट का कार्य जो चल रहा है और आगे जो कार्य के बारे में जानकारी लेने के लिए और जो भी अपना कंप्लेन हमारे पास दिए हुए हैं, इनको बताना चाहते हैं कि जो हमारा काली मंदिर पीएसएस का जो कार्य चल रहा है, जिसके जो कि वहाँ से फीडर जो पार्डी फीडर चेपा पुल फीडर निकल रहा है, जो कि आने वाले गर्मी में भी काफ़ी लूट जाता है, तो वो हमारा फीडर का काम चल रहा है जो कि 15 से 20 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा ओवरलोडिंग या ट्रिपिंग का जो जाकिर नगर का फीडर का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। आए हैं, इन्होंने बुलाया है, स्कूटी साहब ने और एचडीओ साहब और जीआई साहब सब आए हुए हैं, तो जितने लैंडमैन हैं उनसे हम लोग की मीटिंग हुई है, तो सबका जो है जहाँ जहाँ काम है, और राहुल जी भी आए हुए हैं, जो एरिया बाय एरिया जो 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 काम छूटा हुआ है वो सब काम के लिए हम लोग को जानकारी दे रहे हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि आने वाले कल में जो भी कमी है मानगो क्षेत्र में, जो भी कमी है पूरा हम लोग आश्वासन स्कूटी साहब ने दिया है कि हम लोग यहाँ काम करके बहुत जल्द से जल्द मंत्री जी के हम लोग आगे आएंगे। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री एवं क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बन्ना गुप्ता के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हुआ। इस खुशी पर कांग्रेस स्थित कार्यालय में केक काटकर खुशियां मनाई गई। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यकाल का सफलतम एक वर्ष बीत जाने पर कदमा स्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जश्न मनाया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विजय खां समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। न्यू रानी कुदर स्थित इंडियन बेकरी में नव वर्ष और क्रिसमस के मौके पर विशेष तौर पर प्लम केक बनाए गए, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। न्यू रानी कुदर स्थित इंडियन बेकरी द्वारा इस वर्ष क्रिसमस और न्यू ईयर के मौकों के लिए आकर्षक तोहफे लाए गए हैं। इस मौके पर तरह तरह के प्लम केक और पेस्ट्रीज के अलावे जो तौर पर आमंत्रित शेफ द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। इस 25 दिसंबर में हम लोगों ने प्लम केक, क्रिसमस में जो इस्तेमाल होता है फ्रूट केक और वॉलनट केक और ब्राउनी केक वगैरह हम लोगों ने काफ़ी तैयार किया है, और कस्टमर का रिक्वायरमेंट जिस तरीका से
रहेगा उस तरीका से हम लोग काम करेंगे। और अभी जैसा कि लॉकडाउन का समय है तो उतना मार्केट लॉकडाउन का असर है और मार्केट उतना दिख नहीं रहा, फिर भी हम लोग जैसा भी कस्टमर जिस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट करता है हम लोग उसको पूरा देने की कोशिश करते हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 एंड 94313-01963। विकास ज्वेलर्स सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 एंड 94313-01963। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान, द ब्यूटी लेडीज स्पैंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेसियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता, द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। 832110। फोन नंबर 6206054568, 7050341215। Hi, this is Mehvish और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई हूँ द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत, और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी।
कॉन्फेक्शनरी आइटम, ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी, स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक, क्रीम रोल, फ्रूट केक, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट, मैरिज एनिवर्सरी केक एंड स्कूल ऑर्डर स्पेशल. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी वाजिब मूल्य, शूटिंग शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे, त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं अंडरगार्मेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट एमबी ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई, कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768.